आवारा पशुओं की वजह से आए दिन हो रहे हैं हादसे। हादसे की वजह से कई लोगों की जा चुकी है जाने। नगर निगम लुधियाना में प्रशासन ने मूंदी आंखें। महानगर लुधियाना में आवारा घूम रहे पशुओं की वजह से आए दिन राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में इन्हीं की वजह से एक मासूम बच्चे की जान जाने के कारण एक हंसते खिलते परिवार का चिराग हमेशा के लिए बुझ गया। इतना नहीं, कई अन्य घटनाओं के बावजूद भी प्रशासनिक अधिकारी इस गंभीर समस्या की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। शहरवासियों ने भी इस गंभीर समस्या संबंधी चिंता व्यक्त करते हुए मांग की है कि प्रशासन को इस संबंधी जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि लोगों की जान माल को खतरा ना हो। उन्होंने ये भी कहा कि रोड के साथ लगते गंदे नाले पर अगर कुछ दूरी तक जालीदार बाड़ लगा दी जाए तो कई कीमती जाने अभी भी बचाई जा सकती है। सरकार को चाहिए कि इन्हें खिलाफ आवारा सांडा एक तो प्रॉपर जगह इन्हों सारे ले जाके या तो गौशाला छड़न तो या फिर कोई इन्हों का कोई पुख्ता इंतजाम किया जाए या ताकि लोगों की जी जान माल की राखी हो सके। जिस तरह तुम पिछे देखा है कि एक छोटा बच्चा आवारा सांड आपस च लड़ रहे थे तो वह एक साइड तो गिर गए और नाले के आले दुआले भी सरकार को चाहिए कि इन्हों के जालियां वगैरह लगा या कुछ यहोजा इंतजाम कर कि कोई भी सांड या कोई बच्चा उधर ना गिर सके। सारे कारपोरेशन पुलिस को भी यह चाहिए भी डंगर रोड से नहीं होना चाहिए कितने भी। बहुत बड़े हादसे होंगे लोगों दान जाए ने तो कारा के एक्सीडेंट होंगे है रात को डंगर उत्ते रोड से आ जाता उन्होंने एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांस ने। इसलिए इन्हों बचाने खातर गौशाला सब तो व्डा प्रोग्राम जिमें अपने लुधियाने बहुत वीड्डी गौशाला जगह पी है वो रखने चाहिए है उन्हें सेवा करनी चाहिए है यही मेरी सब तो वीडी खश है। हालांकि इन आवारा पशुओं को रखने के लिए शहर में कई गौशालाएं बनाई गई हैं, परंतु संबंधित अधिकारियों की लापरवाही के चलते आवारा पशुओं की शहर में भरमार हो रही है जिसके चलते आए दिन शहर में लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस संबंधी कुमकनी नींद से कब जागेगा या फिर ये हादसे यूं ही होते रहेंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जागती लहर के लिए राकेश गर्ग की रिपोर्ट।